गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. चलिए सब लोग अपनी बुक निकाल लीजिए. एवीएस की बुक निकाल लो सब लोग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. माइक म्यूट कर दीजिए. आपको सबको कितनी बार बोला गया है इस बात का ध्यान रखा करिए जब भी आप लोग क्लास करते हैं तो ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. ठीक है. चलिए अब जैसे कि आप सबको पता है कि आप सबका कल से 4 फरवरी से ओरल एग्जाम होने वाला है तो आप सबको क्या करना है इसी तरीके से आपका ईवीएस का भी होगा तो ईवीएस के लिए आप सबको कुछ चीजें प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट है आपकी फाइल. फाइल सबको बनानी है. ठीक है. और फाइल का जो आपका टॉपिक है वो है आपका एनिमल किंगडम. ठीक है. एनिमल किंगडम पे आप सबको क्या बनानी है फाइल बनानी है और फिर आपको बनाना है चार्ट और मॉडल. आप सबको चार्ट या मॉडल में से कोई एक चीज बनाना है. ठीक है. क्या करना है आप सबको चार्ट या मॉडल में से एक चीज बनानी है. हाँ दीदी. मैम फाइल में जो एनिमल किंगडम वाला उसके चैप्टर पूरे करने हैं फाइल में. हाँ साथ में आपको पिक्चर्स भी पेस्ट करनी है. ठीक है. और चार्ट या मॉडल में से आप सबको सिर्फ एक चीज बनाना है. अगर आप चार्ट बनाओगे तो किस किसके लिए मतलब कौन सा बनाओगे. मूवमेंट इन एक्सिस मींस रोटेशन. ठीक है. इससे क्या बनाओगे इस पे आप चार्ट बनाओगे. अगर मॉडल बनाओगे तो मॉडल बनाओगे सोलर सिस्टम पे. दोनों में से एक चीज बनानी है. इन दोनों में से कोई एक ही बनाना है. ठीक है. या तो चार्ट बनाइएगा या फिर मॉडल बनाइएगा. हाँ चार्ट बनाएंगे तो जो मूवमेंट इन एक्स रोटेशन वाला है उसे बनाना पड़ेगा बुक में से देख के. हाँ ठीक है. और आपका मॉडल बनाएंगे तो मॉडल आपको बनाना है सोलर सिस्टम का. इस चीज को सब लोग नोट कर लीजिए. ये आपका है और फाइल आपकी कंपलसरी. फाइल आपको बनाना ही बनाना है. ठीक है. ठीक है बच्चों. जिस दिन आपका पेपर होगा ईवीएस का उसी दिन आपका देखा जाएगा. ठीक है. तो ये था आपका. अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जो हम लोग का चैप्टर. लास्ट चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था. चैप्टर 15 आवर प्लैनेट अर्थ. यस मैम हो गया. हाँ तो अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 16. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 16. अब चैप्टर 16 हमारा क्या है. चैप्टर 16 है हमारा सोलर सिस्टम. क्या है हमारा चैप्टर 16 सोलर सिस्टम. तो पहला आता है व्हाट डू यू सी इन द स्काई. स्काई में हम लोगों को क्या दिखता है.
The sun shines bright in the daytime and the night glows in the moonlight with several twinkling little stars around. जब डे टाइम होता है तब क्या करता है, सनराइज करता है. मैम साइड हो जाइए. और जब नाइट होती है तब क्या होता है, मूनलाइट करता है. किसके साथ में, विद लिटिल लिटिल ट्विंकलिंग स्टार्स. यू नो दैट देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन द स्काई अदर देन द स्टार्स. तो अब हमें ये पता है कि हमारी जो स्काई है उसमें क्या है, स्टार्स के अलावा भी कई सारी चीजें हैं. स्टार्स, सन और मून के अलावा भी क्या है, कई सारी चीजें हैं. क्या है स्काई में, और देयर आर प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स विच आर नॉट विजिबल टू अस. और क्या क्या प्रेजेंट है, प्लैनेट्स प्रेजेंट है, कॉमेट्स प्रेजेंट है, एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट है, जो क्या है, हमें विजिबल नहीं होते हैं. ये स्काई में प्रेजेंट होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते. They are only seen with the help of our telescope. इनको हम किसके हेल्प से देख सकते हैं, इनको हम सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं. ठीक है. अब they are only seen with the help of telescope. अब they are, अब हमारे स्काई में कौन कौन से प्लैनेट्स प्रेजेंट है. तो जैसे कि आप सबको पता है हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स है. ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में कितने, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं शामिल है, चैप्टर 16. ओके मैम, 8 हाँ, 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट है. अब उन 8 प्लैनेट्स के कुछ नेम्स भी है ना, क्या नेम्स है उन 8 प्लैनेट्स के. जो फर्स्ट प्लैनेट का नाम है मैम मर्कुरी, सेकंड वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेप्चून. हाँ, तो फर्स्ट है हमारा मर्करी, सेकंड है हमारा वीनस, थर्ड है हमारा अर्थ, फोर्थ है हमारा मार्स, फिफ्थ है हमारा जुपिटर, सिक्स्थ है हमारा सैटर्न, सेवेंथ है हमारा यूरेनस एंड एट है हमारा नेपच्यून. ठीक है, ये क्या है, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो क्या है सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है. ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, सम प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द सन एंड सम आर. अब कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो क्या है सन के पास में है, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो क्या है सन से बहुत दूर है. मैम साइड हो जाइए. आंचल आपका अभी तक लिखा नहीं, ये बताइए कितनी देर लगती है आपको लिखने में. हाँ मैम, ये क्या है मैम, ये आपका जो ओरल एग्जाम होगा उसमें आपसे क्या क्या दिखाना है आपको वो है. मैम फाइल में हम लोगों को क्या लिखना होगा, जैसे एनिमल किंगडम है ना, तो एनिमल किंगडम के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा है चैप्टर में उसको बताना है, और साथ साथ जो भी आप बताएंगे एनिमल्स के बारे में बताएंगे उनकी पिक्चर्स भी पेस्ट करनी है. फिर आपको फाइल आपकी कंपल्सरी है, फाइल आपको बनाना है. उसके बाद में आता है आपका चार्ट एंड मॉडल. तो चार्ट और मॉडल में से सिर्फ एक बनाना है. ठीक है, या तो चार्ट बनाइएगा या तो मॉडल बनाइएगा. चार्ट बनाएंगे तो चार्ट में आपको बनाना है मूवमेंट इन एक्सिस, जो हमारा क्या है रोटेशन है. और अगर मॉडल बनाएंगे तो मॉडल में आपको बनाना है सोलर सिस्टम. जो मैम आपने बताया था कल बनाने को ड्राइंग कॉपी में, वही चार्ट में बनाना है. हाँ फर्स्ट वाला. तो फुल चार्ट मत लीजिएगा, चार्ट का सिर्फ 1/4 पार्ट लीजिएगा और उसी पे इसको ड्रॉ करिएगा. ठीक है ओके मैम.
लिख लीजिए जो जिसने नहीं लिखा है, और थोड़े से जल्दी जल्दी लिखा लिखने की प्रैक्टिस करिए, बहुत स्लो लिखते हैं। मैम मेरा होने वाला है। मैम चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं पूरी करनी है। क्या आदिति? मैम चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज फिल नहीं करनी है बुक में। नहीं ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, सम प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द सन एंड सम आर फार। अब कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो क्या है, सन के पास में है, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो क्या है, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो क्या है, सन से दूर है। ठीक है। अर्थ इज वन ऑफ अ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इन सभी प्लैनेट्स में से एक हमारा अर्थ ही है। ठीक है। एंड इज आवर थर्ड पोजीशन फ्रॉम द सन। और ये सन से किस पोजीशन पे है, ये सन से थर्ड पोजीशन पे है। इट इज ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। और सिर्फ यही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे क्या है, जहां पे लाइफ प्रेजेंट है। मीन्स हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, सिर्फ और सिर्फ यही पे ही जो लाइफ है वो सर्वाइव करती है, और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वहां पे किसी में भी लाइफ सर्वाइव नहीं करती। अब यहाँ पे आपको सभी एक प्लैनेट्स के कैसे आपको नेम लर्न करना है वो बताया गया। देखो क्या लिखा है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नट्स। ठीक है। अब एम से बताओ क्या हो गया। मैम एम से मार्स हो, मैम एम से मर्कुरी हो गया। हाँ एम से मर्कुरी, राइट, एम से मर्कुरी हो गया। देन वी से क्या हो गया, मैम वीनस, मैम वीनस हो गया। वीनस, वेरी गुड। ई से क्या हो गया, ई से क्या हुआ, ई से अर्थ हो गया। ई से अर्थ हो गया, राइट, ई से अर्थ हो गया। एम से क्या हुआ, मार्स, मार्स, मार्स हो गया, वेरी गुड। जे से जुपिटर, 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 ओके। एस से सैटर्न, 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 यू से वेरी गुड। तो ये है आपके एट प्लैनेट्स के नेम। ठीक है। अब उसके बाद में आता है आपका, व्हाट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड इट। सोलर सिस्टम वो होता है जिसमें क्या होता है, सेंटर में सन होता है, और उसके अराउंड में क्या होते हैं, सारे प्लैनेट। जब वो मिल जाते हैं एक साथ, वो क्या बनाते हैं, वो सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, डस्ट एंड गैस। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसमें हमारे सारे प्लैनेट्स होते हैं, जो प्लैनेट्स के मून होते हैं वो होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, डस्ट होती है, और गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है। जब ये सभी चीजें एक साथ मिल जाती है तो वो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। हाँ आचार्य बोलिए। मैम चैप्टर 16 पढ़ा रही हैं। अभी तक आपको पता नहीं चला हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा द सन। क्या आता है नेक्स्ट हमारा, द सन। अब सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सन हमारा क्या है। ठीक है। द सन इज अ स्टार नॉट अ प्लैनेट। सन क्या है, सन एक स्टार है, वो प्लैनेट नहीं है।
The sun is in the center of the solar system. और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन कहाँ पर प्रेजेंट है? सन हमारा सेंटर में प्रेजेंट है. आप देख सकते हो ना, जैसे कि ये सोलर सिस्टम का फिगर है ना, इसमें ये देख रहे हो ये क्या है हमारा, ये हमारा सन है. और सन के अराउंड में क्या हो रहा है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सब उसकी अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है हमारा सन. और सन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होता है. सन से मेरे स्टार्स होंगे. हाँ, फिर से बोलो आरा. मैम, सन से बड़े स्टार्स होते हैं. हाँ, सन से बिग स्टार्स होते हैं, क्योंकि स्टार्स क्या होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा फार होते हैं, फर्दर होते हैं हद से, इसलिए वो हमको स्मॉल स्मॉल डॉट के जैसे शो होते हैं. यस मैम. और सर मैम, हमारे सबसे पास में है ना सन स्टार में. हाँ, It is so big that one can easily see it from the earth. ये इतना big है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको easily earth से देख सकते हैं. It is the only star we see during the daytime. और सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा star है जिसको हम लोग कब देख पाते हैं, daytime में देख पाते हैं. In our solar system, the eight planets circle around the sun in an anti-clockwise direction. अब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो सब किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं. अब सबको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? नो मैम. क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है? बताइए. क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? नो मैम. मैम राइट. अच्छा आप लोग, अच्छा आप लोग एक काम करिए, अपने वॉच में देखिए, आपके घर में वॉच लगी हुई है ना, वॉल वॉच उस पे देखिए. सभी प्लैनेट राइट की ओर जाते हैं. हाँ, ओके. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपके घर पे जो बॉल लगी हुई है उसमें जो उसके जो नीडल्स हैं, वॉच की जो नीडल्स है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको देखिए, कुछ इस तरीके से मूव कर रही होंगी ना, ऐसे ऐसे. यस मैम. है ना, तो जब वो इस डायरेक्शन में मूव करती है राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, और जब वॉच हमारी क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, मीन्स ऐसे मूव करती है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, आप सबको क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता चला? क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड है वो सारे क्या करते हैं, वो सारे वो सारे और वो सारे क्या करते हैं, वो सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, अब ये था आपका द सन के बारे में. अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी तो उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है द सन के बाद. द सन के बाद क्या है हमारा, बताओ? मून.
मून है ना? Yes. हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, द मून से पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए सब लोग अपनी जीके की बुक निकालिए। ये है ना आप सबकी जीके की बुक? यस मैम। हाँ निकालिए इसको, सब लोग अपनी जीके की बुक निकालिए। निकाल लिया। हाँ अच्छा, आप ये बताइए जब आपका पेपर हुआ था तो जीके में आपका कहाँ तक आ गया था? जल्दी बताओ, किस चैप्टर तक आ गया था आपका जीके में? मैम 12 तक आ गया। 5 तक आ गया था। कहाँ तक आ गया था मैम? 13 तक आ गया था। स्टेट्स एंड कैपिटल? यस मैम। ओके, अब चलिए चैप्टर 14 खोलिए, पेज नंबर 19, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। मैम क्या पढ़ा रही है? जीके। मैम निकाल लिया। मैम कौन सा पेज पढ़ना है? चैप्टर 14 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। मैम वो तो हो गया है, चैप्टर 14 हो गया। तो कहा चैप्टर 16 हो गया चैप्टर 17 चैप्टर 18 चैप्टर 19 चैप्टर 20 तक हो चुका, 21 से नहीं हुआ है ना? 19-20 का नहीं हुआ है। कहाँ से हो चुका है एग्जैक्टली बताइए आप लोग। कोई कह रहा है 19-20 तक हो चुका, 20 तक हो गया, तक हो गया था। ठीक है, तो चलिए सब लोग खोलिए चैप्टर 21 और चैप्टर 21 है आपका नेशनल अवार्ड। ठीक है मैम, मेरा हो गया है। आपका हो चुका है पर अभी हमें पढ़ाना है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे ना इसको। आपने कर लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो फर्स्ट है आपका गिव इन बिलो सम इनकम्प्लीट सेंटेंस अबाउट नेशनल अवार्ड, कंप्लीट देम बाय यूजिंग द क्लू बॉक्स। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा डैश इज गिवन फॉर द डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैम अर्जुन अवार्ड। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? अर्जुन अवार्ड होगा क्या मैम? राइट, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? अर्जुन अवार्ड। ठीक, उसके बाद में सेकेंड है आपका डैश इज गिवन फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी ड्यूरिंग वॉर। अब बताओ कौन सा दिया जाता है? मैम वन वीर करप दिया जाएगा, उसको बोलते हैं परमवीर चक्र। क्या बोलते हैं? परमवीर चक्र। राइट, तो सेकंड हो जाएगा हमारा परमवीर चक्र। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? परमवीर चक्र। ठीक, अब थर्ड है आपका
डैश अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. अब कौन सा अवार्ड आपको दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में? मैम टैगोर पीस. नहीं, जनपथ अवार्ड. जनपथ अवार्ड. ये दिया जाता है हमारे लिटरेचर के फील्ड में. ठीक है, फिर फोर्थ आता है द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द इंडियन इज, मींस जो इंडियंस है उनको जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा है? मैम भारत रत्न. मैम भारत रत्न. राइट राइट, भारत रत्न. तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? भारत रत्न. ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट बताइए क्या होगा? मैम सैनिक स्वारक. मैम फोर्थ वाला नहीं दिखाई दे. मैम सनीता. क्या हो जाएगा फोर्थ आपका? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड. ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड. अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है डैश इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन फिल्म. अब क्या दिया जाता है फिल्म में? मैम दादा सहन पालक अवार्ड. दादा साहेब फाल्के अवार्ड. क्या दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड. तो आपका नेक्स्ट सिक्स्थ हो जाएगा दादा. मैम हाँ बोलिए. मैम कल सबसे पहले ईवीएस का पेपर होगा. नहीं, कल सबसे पहले आपका ईवीएस का नहीं है. हाँ फिर मैम सेवन को वो होगा कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का होगा. आपके पास डेट शीट आई है? यस मैम. हाँ तो उसमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन कर लीजिए. ठीक है मैम, जैसे इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज है तो एक ही दिन में इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज हो जाएगा या फिर अलग अलग दिन में? उसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर में जब आपकी मैम आएंगी तो आप उनसे पूछिएगा इंग्लिश का. ठीक है, आप उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन पीस डैश इन गिवन. बताइए पीस के वर्क में क्या दिया जाता है? मैम टैगोर प्रेस. मैम टैगोर पास से टैगोर पीस अवार्ड. क्या दिया जाता है? टैगोर पीस अवार्ड. टैगोर पीस अवार्ड. क्या दिया जाता है? टैगोर पीस अवार्ड. अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका लास्ट. डैश इज गिवन इन द फील्ड ऑफ आर्ट आर्ट कल्चर एंड एजुकेशन. अब आर्ट कल्चर एंड एजुकेशन में मैम अर्जुन अवार्ड, दयावती मोदी अवार्ड.
इसका आंसर होगा डायवर्सिटी मोदी अवार्ड। ठीक है, इसका हो जाएगा दयावती मोदी अवार्ड। ठीक है, तो ये था आपका 21st नेशनल फ्लैग्स के बारे में। ठीक है, जो हमारे नेशनल अवार्ड थे। जी हाँ, जब आपका जीके का जब पेपर होगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जीके का भी पेपर होगा, ब्रिटेन ओरल, जीके का ओरल होगा ना? यस। तो ओरल जो होगा उसका एमसीक्यू भी होगा, तो ओरल में आपसे ये पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो आप सबका होमवर्क है, आप सबको क्या करना है, जो चैप्टर 21 है इसको फिल है, और जो चैप्टर 22 है द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, इसको करना है। और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम क्या करेंगे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट करेंगे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट आगे चैप्टर्स आएंगे उसको करेंगे। ठीक है मैम, 5 और 6 को क्या है? हाँ सर, हाँ शांभवी मैम, 5 और 6 को क्या है? 6 को आपका संडे है एंड 5 को आपका वसंत पंचमी है। ठीक है, और वसंत पंचमी के दिन हम लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? अच्छा चलिए बताइए, हम वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की क्यों पूजा करते हैं, कौन बताएगा? क्योंकि मैम उस दिन हम लोगों को विद्या मिलती है। राइट, जो देवी सरस्वती जी हैं वो किसकी गॉडेस हैं? वो एजुकेशन की गॉडेस हैं, ठीक है ना, ज्ञान की देवी है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उस दिन उनकी पूजा करते हैं, जिससे क्या होता है हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलो अब आरव, आदिति, आंचल, अनीश, अवनीश, राज, आप सब लोग अपना पूरा वर्क कंप्लीट करिए, सभी कॉपीज और स्कूल में कॉपीज को सबमिट करिए। ठीक है मैम, मेरा वर्क कंप्लीट है। कॉपी सबमिट करिए फिर मैम, 13 चैप्टर। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम।